तो गली में आए हैं अपना लोगों के साथ साथ देने के साथ, अपने ओबीसी एससी एससी के साथ साथ देने के लिए आए, अपने हक के लिए आए। क्यों लग रहा है कि आज इस गर्मी में सुबह बारिश थी बाहर निकलना है और यहाँ पर आकर के इस आंदोलन का समर्थन करना? क्योंकि ये हमारा राइट है, हम अपने राइट के लिए आए हैं, तो हमें धूप और बारिश का कोई डर नहीं है। इनकी जो मंशा है, जो इनकी चालाकियां हैं, वो हमारे समाज को ठीक से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये आपको अलग अलग करके आपका हिसाब किताब बराबर चुकता करान करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों को क्रीमी लेयर बताया जा रहा है उन लोगों के परिवारों से या वो लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जम्मू की ये हर महाराष्ट्र में तो पूरा बंद है यहाँ पे, तो पता नहीं अभी हम लोग तो पहली बार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे भी ये लोगों ने आना चाहिए ना, सामने आना चाहिए और करना चाहिए। समझ लेते हैं कि क्रीमी लेयर होती क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ये कहा है। देखिए सर, हम गाँव के लोग हैं, हमें पता है जब क्रीम दूध के ऊपर आती ना, तो हमारी मदर जो है वो दूध को पहले शाम को दूध निकालेगी, फिर रखेगी, फिर सुबह देखेगी जाके कि कहीं उसके ऊपर थोड़ी बहुत मलाई आई है। अगर दूध प्योर हो तो मलाई आती है, अगर दूध में गड़बड़ है तो मलाई वहाँ भी नहीं आती। भैया इधर चलो, बाहर चलो, इतना टाइम करो यार, सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर को लेकर के जो फैसला आया था, उस फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल दी गई थी। जम्मू कश्मीर में भी भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में हूँ और यहाँ पर बहुजन समाज के लोग एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था और 10 बजे के बाद यहाँ पर लगातार लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। VSP, आजाद समाज पार्टी और अन्य कई दल जो भारत बंद की इस कॉल को समर्थन कर रहे थे, वो सारे संगठन इस वक्त अंबेडकर चौक में पहुंच चुके हैं। कई संगठन भी आ रहे हैं। इस भारत बंद की कॉल के बाद सरकार पर क्या असर पड़ता है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार ने इस फैसले को कैंसिल करने की बात कही थी लेकिन लिखित में कोई भी बात नहीं कही गई थी, जिसकी वजह से आज बहुजन समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। उन लोगों से बात करते हैं और जान लेते हैं कि वो लोग आज इस बंद के बाद अगला क्या फैसला करने जा रहे हैं, अगली रणनीति उन लोगों की क्या है। उन लोगों से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि वो क्या ये इस भारत बंद की कॉल को, आज 21 अगस्त है, आप लोग सब अंबेडकर चौक में एकत्रित हो रहे हैं, क्या रणनीति है अब आगे? सर जाबीम, हमारी रणनीति यही है, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। अगर ये बात नहीं मानेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ऑर्डर हमारे समाज के लिए निकालते हैं, दूसरी कास्टों के लिए निकालते हैं। जैसे ये बोलते हैं हमें पूरा अधिकार ऐसी समाज को दिया हुआ, अगर अधिकार दिया हुआ है, जैसे दो सीटें अभी MP की इलेक्शन हुई है, एक को ऐसी समाज को देते हैं, ये अपनी दोमोशाही मचाते हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। अगर आज हमारी बात नहीं मानेंगे, हम हो सकता है कल को हम रोड पर भी आ सकते हैं। जो मेरा नाम बहादुर है, जो SC ST और OBC समाज के साथ जो पिछले 5-7 सालों से जो साजिशें चल रही हैं, इनके खिलाफ जो मतलब साजिशें करके इनके आरक्षण के मसले में हो या अब क्रीमी लेयर के मसले में हो, कोई भी हो, और बहुत सारी साजिशें चल रही हैं, इनको जम्मू कश्मीर में इनको मकान बनाने भी नहीं दिया जा रहा। आज की डेट में दबे कुचले लोगों को अगर वो अपना बाथरूम भी तैयार करते तो वो रोक दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि इनको पढ़ाई से, इनके बच्चों को ऐसी साजिश की जा रही है कि इनके बच्चे पढ़ ही ना पाए। वो 18% GST लगा दिया है एजुकेशन पे, इनके गरीब लोगों के बच्चे वहां जाके पढ़ ही नहीं सकते, ना इतनी फीसें दे सकते हैं, क्योंकि दबले मजदूर लोग हैं। लेकिन क्रीमी लेयर में उन्होंने यही तो कहा है कि जो दबा कुचला समाज है उन्हें अब आरक्षण की जरूरत है। अभी कहां समाज उठ गया जो क्रीमी लेयर ये कर रहे हैं? अभी तक ये क्रीमी लेयर वो बनी ही नहीं है और ये लोग अभी तक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इनको एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, इनको नशों के साथ जोड़ने की
साजिश कौन करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में जम्मू कश्मीर के 20% बच्चे नशों के साथ जुड़ते जा रहे हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो चल रही है एससी एसटी और ओबीसी समाज के खिलाफ, और ये बहुत आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। एक बड़ी चीज कही गई है कि एक षड्यंत्र के तहत एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चों का हक छीनने का एक प्लान जो है वो किया गया है। तो यहाँ देखिए बीएसपी के लोग भी जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं। आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये लिखा हुआ है आप लोगों ने, किस तरीके का वर्गीकरण कर रही है सरकार? मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भारत की बहुजन समाज की आवाज इस बहरी सरकार के कानों तक पहुंचा रही है। असली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जनता के खिलाफ आया है, हमें जो वर्गीकरण पसंद नहीं है, जो क्लोजियल सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारा जो आरक्षण था पहले की तरह बरकरार रहे ताकि बहुजन समाज अपने पैरों पर टिक सके, हमें आरक्षण में लाभ मिल सके। लेकिन ये सरकार हमें आपस में लड़ाना चाहती है, जो मनुवादी लोग हमें आपस में लड़ाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपील करते हैं बहुजन समाज से कि एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाओ। बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है। बहन जी ने जो ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये शांति पूर्वक जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, सरकार की प्राप्ति का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन अपने हक के लिए हम हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अब्दुल गनी आफ्ताब है, मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। और आज जो भारत बंद जो रखा गया है ओबीसी के ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला किया है तो ये सोच समझ करके किया होगा, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं क्रिमिनल? देखिए उसके साथ ना जो हमारी जो कम्युनिटी जो एससी एसटी लोग हैं ओबीसी लोग हैं ये इनकी तकसीम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है वही रहना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए, कैसे बदला जा सकता है ये अगर संविधान में नहीं लिखा है? सरकार तो कह रही है कि ये नहीं बदला जाए। नहीं, सरकार तो कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले ले, वापस ले ले, सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना चाहिए ये कहा जा रहा है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बिशन दास जी। क्रीमी लेयर को कैसे देख रहे हैं आप? क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया क्यों? ये क्रीमी लेयर जो बीजेपी जो सरकार है, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने खुद ना करके कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इन्होंने कराने की कोशिश की है। ये इन्होंने बहुजन समाज को बांटने की कोशिश की है, शेड्यूल कास्ट को बांटने की कोशिश की है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम इसका अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम इसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि इनको बहुत मुश्किल करना पड़ेगा। जगदीश जी कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप लोगों को क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का विरोध करना जरूरी क्यों? हम तो आज देख रहे हैं कि जो हमारी जो पक्की जीत हो जाएगी। राजा जी, आपको राजा सिंह जी कैसा लग रहा है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आता है वो बड़ा सोच समझ करके, बड़ा गहनता से इस चीज को समझ करके ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करता है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर एक जज दे, दो जज दे, तीन जज दे, चार दे, उसके ऊपर ही तो जज है, सात जज भी हो सकते हैं, वो जो है वो हमें मंजूर नहीं है। तो वो हम चाहते हैं कि वो कहाँ गए जो पार्लियामेंट इलेक्शन में कापी हाथ में लेके कह रहे थे वो संविधान बचाओ, आज वो कहाँ हैं? वो संविधान के जरिए वो कुछ सीटें जीत गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने थोड़ा सा, हम ही देख के सबने लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने संविधान बचाने, आप सीधा कहिए कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, संविधान बचाने के लिए लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन आज वो कहाँ है? हम ये पूछना चाहते हैं कि आज कांग्रेस कहाँ है? वो क्यों नहीं आगे आए? उसको आगे आना चाहिए था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, बहन जी आज अपना मामीन राष्ट्रपति को मोमरेंडम देने जा रही है कि वो मोमरेंडम देंगे कि देश में क्या हो रहा है। चड़गुत्रा साहब, क्या लग रहा है आपको कि आपका ये जो आंदोलन पूरे भारत में शुरू हुआ है, इसे सरकार ने तो पहले कह दिया कि हम इस ऑर्डर को नहीं इम्प्लीमेंट करने जा रहे, सरकार ने तो आश्वासन दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा है वैसा ही रहेगा।
देखिए ये जो ऑर्डर का आप बात कर रहे हैं, अगर इस सरकार की मंशा होती वापस लेने की तो उस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो वो पार्लियामेंट सेशन में उसको लाकर इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर सकते थे। ये जानबूझकर देखने के लिए कि क्या बहुजन समाज जो है कि वो इस पर क्या रिएक्ट करता है। ये बार बार हमारे समाज को टेस्ट किया जाता है कि अगर ये समाज, मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ सभी समाज के वर्गों से, लोगों से, कि हमने कांग्रेस का राज देखा है और कांग्रेस के जो उसके जो राहुल गांधी जी हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ पकड़ कर भाग रहे थे जब वोटों की बारी थी, और एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि हमने बीजेपी को और आके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है गवर्नमेंट? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म से, कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि छोड़ो बाकी सारे प्लेटफॉर्म, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करो और हम पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने तरीके से लागू करवाने का काम करेंगे। तो और लोगों से जान लेते हैं कि लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के सभी लोग जो हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों को क्या लग रहा है कि इस चीज को? श्यामलाल बसंत जी हमारे साथ, मुझे बताइए कि आज इतनी तादाद में बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग बाहर आए हैं, और एक तरफ सरकार का ये कहना कि जैसा संविधान में है इसे वैसा ही रखा जाएगा, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आ जाना, इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं? और ये प्रेस प्रोटेस्ट जो है, ये जो एडवाइजरी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निकाली गई है कास्ट क्लासिफिकेशन के लिए और क्रीमी लेयर के लिए, हम कड़ा विरोध करते हैं। आज के दिन मैं उन 13 शहीदों को जिन्होंने दो प्यार की छोटाओं को अपनी जाने गवाई थी, मैं उनको छप छप नमन का होगा। तब भी एपेक्स कोर्ट ने जो आर्डर करा था एसएचए को डिलीट करने के लिए, वो हमारे 13 नौजवानों ने शहीदी पाई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। आज हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट एक्शन सेशन बुला के उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव करके इसको अमेंडमेंट किया जाए, इसके अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाए, ताकि जो क्रीमी लेयर वाली एडवाइजरी है वो खत्म हो सके। क्रीमी लेयर को देखते कैसे हैं, क्योंकि दो हिस्सों में बहुजन समाज बटने लगा है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली से ये खबरें लगातार निकल करके सामने आई हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज सोचने की बात क्या है कि कहाँ है क्रीमी लेयर, कहाँ तक पहुँच पाया है ये शेड्यूल का, कितना बिजनेस है इनके पास, कितनी इंडस्ट्री है इनके पास, कितनी आम इनके पास ज्यादा, कितनी है इनके पास, कितनी कंपनी है इनके पास, ये तो आपस में लड़ाने वाली जो बात है, ये कभी हम सब किसी भी केंद्र पर आक्षेप नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर सीट डालने वाली बात है, हम बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं, यवीम सर, तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। सुरेंद्र अत्री हमारे साथ हैं, ये संसद कानों तक पहुँचने वाले हैं। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं लोगों की ओर से जब ये फैसले का सरकार ने खंडन किया था और सरकार ने कहा था कि सुरक्षित रखा जाएगा बहुजनों का, एक क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, आप लोगों ने लड्डू बांटे थे उस वक्त, लेकिन आज आप रोड पर हैं सब लोग। देखिए सर, जो लड्डू बांटने की बात है वो हमने इसलिए बांटे थे कि हमारा भाई चंद्रशेखर जो है वो अकेली एकलौती आवाज है बहुजन की, जो समाज में, जो समाज की एकलौती आवाज संसद में उठाते हैं, और उनकी वजह से केंद्र, उनके डर की वजह से केंद्र सरकार ने तुरंत ये फैसला किया था, अपने अपने बंदों से जाके, अपने मिनिस्टरों से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम ये जो है क्रीमी लेयर के जो है ये हम लागू नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार में बैठी, केंद्र में बैठी सरकार को ये जितला देना चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है सेम उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एक फैसला निकाले और संसद में उसको पास कराए, तब जाके ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये बंद होगा। ये तो आज जो हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ ये फर्स्ट फेस है, इसका जो सेकंड फेस है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 11 सितंबर को दिल्ली में रखा है। तो मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो फर्स्ट फेस में आज यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, और सेकंड फेस जो है इसका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो सेकंड फेस का होगा वो दिल्ली में जाकर होगा, हम संसद का घेराव करेंगे। जब तक ये फैसला वापस नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट, तब तक आजाद समाज पार्टी और बीमार भी जो है वो सड़कों पे दिखेगी। आजाद समाज पार्टी अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में लड़ने जा रही है, और
इस इलेक्शन में कितना असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, भाजपा है, उन उन पार्टियों में से कोई भी आप लोगों के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है? देखिए सर, ये बाकी पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे बीजेपी हो गई, ये हमारे आरक्षण का फायदा, हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों का फायदा उठाते हैं, ये हमारा खाली वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, बाबा साहब के नाम पर, भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर ये उनका फोटो दिखाकर हमारा वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। मैं अपने समाज के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक ही लौती आवाज है, वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। उनकी पार्टी को पहचानिए, उनकी भीम आर्मी को पहचानिए, जो हर वक्त, जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रहती है, सड़कों पे खड़ी रहती है। ये इलेक्शन का दौर है अभी, लेकिन इलेक्शन से पहले भी आपने देखा हमारी भीम आर्मी काफी समय से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जी 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 जी। बाकी और काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, प्रोफेसर युधवीर सिंह यहाँ पर हैं। प्रोफेसर साहब, इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं? हालांकि भाजपा सरकार ने ये कहा है कि ये क्रीम मिलियर लागू नहीं है। पहले तो आपके सारे सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है वो जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन को लेके, उसके खिलाफ ये सारा धरना है और हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो विचारधारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुष्ट जो एक ही समाज से लोग आने वाले वहाँ पे, और उनकी उनका हमारे जो टूटे फूटे दबे कुचले समाज के लिए जो उनका प्रेम है, वो उनके इस जजमेंट से साफ जाहिर हो गया कि वो कितना ही प्रेम करते हैं हम लोगों से। उन्होंने आज तक हमारे मुफाद के लिए, जो डोम डॉडन के मुफाद के लिए जो कभी कोई स्टेप नहीं लिया, कभी कोई किसी तरह कितना अत्याचार होता है, कभी किसी ने सुबह फोटो कभी कैसे लिया हो, आज तक कोई ऐसा हमारे पास कोई इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी ने अर्जी भी नहीं दी, खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब के लिए तो किसी ने अर्जी भी नहीं दी कि इस पर बात करो। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो बात हुई थी वो इनका सिर्फ हमारे जो थोड़ा सा जो एकजुटता सामने नजर आ रही थी उसके डर से सुप्रीम कोर्ट को हथियार बना के पॉलिटिकल जमात जो आपकी रजवाड़ा जमात है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया और वो चार जितने भी जजेस हैं माननीय हैं वो सभी ने अपना अपना दूध दिखा दिया, उन्होंने अपना खून दिखा दिया। एक चीज है, मुझे जो फैसले संसद में होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए वो संसद में हो रहे हैं। चेयर भी है आगे, चेयर भी ले। देखो ये सियासत का सारा चक्कर चल रहा है, सियासत अपने वोट जो भी करो अपने वोट कलेक्ट करने का, सभी लोगों से मेरा तो हमारे शेड्यूल कास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आप इन्होंने सभी लोगों से मेरा निवेदन है फ्रंट में आ जाएं की बात करते हैं वो कहां हमारी, अगर आइए सबसे की हम बात करते हैं कितने हमारे सभी लोग कहां हमारी इस संघर्ष में ये लोग फैसला कर रहे हैं सरकार जो है सभी लोग ज्यादा इसमें बात इस तरफ आ जाए आपस में तोड़ रही है। मेरा निवेदन है जो पीछे खड़े हुए लोग जो हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं, बीजेपी पार्टी ने भी समर्थन किया, कामयाब करने के लिए मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट जो संसद में काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट मेरा निवेदन है कि संसद ने करना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करना वो संसद कर रहा है बदल कैसे सभी वॉलंटियरों से मेरा निवेदन है प्रोटेस्ट कर रहे क्योंकि इस तरह हमारी डिमांड ही यही है डरने की यही बात नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है रहेंगे इसमें अमेंडमेंट की जाए पार्लियामेंट पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और अमेंडमेंट की जाए उसी सिलसिले में बहुत मुश्किल सभी बातों की एक ही बात खत्म किया जाए जम्मू कश्मीर को वापस लिया वापस लिया जाए। सर रैली में आए हैं अपना लोगों के साथ साथ देने के साथ, अपने ओबीसी एससी के साथ साथ देने के लिए, अपने हक के लिए आए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमारी है। आपको क्यों लग रहा है कि आज इस गर्मी में, सुबह बारिश थी, बाहर निकलना है और यहाँ पर आकर के इस आंदोलन का समर्थन? क्योंकि ये हमारा राइट है, हम अपने राइट के लिए आए हैं, तो हमें धूप और बारिश का कोई डर नहीं है क्योंकि अपना राइट जो है उसको हम बरकरार रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डोगरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि भारत बड़ा स्मूथ चल रहा है और भाजपा ने ये कहा भी है कि इस
कोई यों का तो रखा जाएगा, जैसे संविधान में लिखा है वैसा ही चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी ये लोग कह रहे हैं कि वापस नहीं लिया गया है। देखिए इनकी जो मंशा है, जो इनकी चालाकियां हैं, वो हमारे समाज को ठीक से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये आपको अलग अलग करके आपका हिसाब किताब बराबर चुकता रन करना चाहते हैं। और जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के उसमें पावर में ही नहीं है कि वो कानून बनाए। कानून किसी भी देश का जो है, वहाँ की जो है जनता द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट जो होती है, उसके मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें मकरापंथी जो है गवर्नमेंट की इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इन लोगों को बेनिफिट जो है बराबर से मिल सके। उन्होंने जो ये एक्शन, ये जो कानून पास करवाया है, वो अंदरों अंदर से वो कह रहे हैं कि आप इसको आप करो, तो इनको थोड़ा हरकत में आने दो। ये लोग हरकत में आने चाहिए, ये अलग अलग लोग जो हैं इनको जो है इनको प्रताड़ना है हमने। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के इस आंदोलन के बाद सरकार इस बिल को, सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को वापस ले लेगी? नहीं, अभी ऑर्डर वापस नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट, तो आने वाला जो समय है वो इनके लिए घातक साबित हो सकता है, इनके लिए घातक साबित हो सकता है। और ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी आराम से बैठ करके, आराम से कमा करके ना खा सके, और उसको इन्होंने दरबदर करना है, दरबदर करना है। ये एक बड़ी चीज इन्होंने कही है। अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम रेखा प्रमोद गजबी है। कहाँ से हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं? हाँ, समर्थन करने के लिए। क्या है आखिर ये क्रीमी लेयर, क्यों सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करना चाहता है और भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार ये कह रही है कि ये लागू नहीं किया जाए? देखो जी, आप भी जानते हो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने एस सी एस टी को आपस में लड़वाने के लिए ये सब प्लान किया है, बराबर, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य तो बहुत ख़राब होने वाला है, तो हम लोग साथ में नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा? लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों को क्रीमी लेयर बताया जा रहा है उन लोगों के परिवारों से या वो लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे? वो जम्मू की ये हमारे महाराष्ट्र में तो पूरा बंद, मतलब पूरा बंद है यहाँ पे, तो पता नहीं। अभी हम लोग तो पहली बार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे भी ये लोगों ने आना चाहिए ना, सामने आना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि भविष्य तो हमारे बच्चों का खराब हो रहा है ना। जिनको मतलब वो भाजपा वाले तो सारा बोल रहे हैं, उनके परदादा दादा सारे ये कर रहे हैं, और हमारे बच्चे क्यों ये नहीं कर रहे? आपको, आपने सुना होगा कि भाजपा ने कहा है कि ये वैसा ही रहेगा, इसे नहीं बदला जाएगा, आप फिर भी विरोध? बिल्कुल विरोध है। पार्लियामेंट में हमारे समाज की होगी, अगर दो चार जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो लोग रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? आप लोगों के समाज के लोग हैं पार्लियामेंट में, संसद में हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रहे? लेकिन वो तो अभी आप में ज़्यादा बोलोगी तो झगड़े का काम ना हो जाए। तो ये जो कहना चाह रही हैं वो आप समझ गए होंगे। रिटायर्ड सीईओ हमारे साथ सेम मूल निवासी जी हैं। मूल निवासी साहब, क्रीमी लेयर आखिर है क्या, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि क्रीमी लेयर होती क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ये कहा है? देखिए सर, हम गांव के लोग हैं, हमें पता है जब क्रीम दूध के ऊपर आती ना, तो हमारी मदर जो है वो दूध को पहले शाम को दूध निकालेगी, फिर रखेगी, फिर सुबह देखेगी जाके कि कहीं उसके ऊपर थोड़ी बहुत मलाई आई है। अगर दूध प्योर हो तो मलाई आती है, अगर दूध में गड़बड़ है तो मलाई वहाँ भी नहीं आती है। जहाँ तक अगर शेड्यूल को जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें, मुझे लगता है ये क्रीमी लेयर के ऊपर हमारे अपने शेड्यूल कास्ट जज जो हैं मिस्टर गवई, उसकी एक टिप्पणी है कि शेड्यूल कास्टों के ऊपर भी ओबीसी की तरह जो है क्रीमी लेयर लगाया जाए, जबकि क्रीमी लेयर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पार्ट नहीं है। और क्रीमी लेयर की बात अगर करनी हो तो उसका मतलब ये है कि लोग इकोनॉमिकली साउंड हो गए हैं, अब इनको बाहर निकाल दे। पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है ये कोई पावर्टी को खत्म करने के लिए नहीं, अगर ये ऐसे होती तो भारत के राष्ट्रपति गरीब नहीं है, भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट भी बड़ी है। तो अगर वो क्रीमी लेयर उनके ऊपर लगती है, अब वो ब्राह्मण बन गए हैं, अपर कास्ट के हो गए हैं, उनको मंदिर नहीं जाने देते,
इसका मतलब ये है कि शेड्यूल कास्टों के जो रिजर्वेशन है इसके इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें जो बाबा साहब का रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें चाहिए हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी जो है वो 22.5% जो है SC ST की सेंटर में बनती है, है ना, तो OBC की मिला के तो ये काफ़ी जाती है ऊपर 75-85%। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये फैसला देना था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत से को डाटा लिया भाई कितनी रिजर्वेशन बनती है, कितनी लागू हुई? 40 लाख पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। अगर इनको लगता है कुछ लोग क्रीमी लेयर में आ गए इनके मुताबिक, तो हम कह रहे हैं 40 लाख से 20 लाख हमारे उन भाइयों को दे दें, स्पेशल ड्राइव चलाएं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देना 20 लाख पोस्टें उनके, ऐसा ऑर्डर निकाल लेना। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने के पहले ये करना चाहिए था सारे सरकार, भारत की सरकार को, कि भाई हम इसको पेंडिंग रखते हैं, जिन गरीब लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं हुआ है उनकी स्पेशल ड्राइव चलाते हैं, उनको नौकरियां देते हैं, ताकि जो उसमें जो जिन लोगों को नहीं मौका मिला था वो भी बराबर आ जाएं। हाँ सर, मुझे बताइए कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया लेकिन भाजपा सरकार ने कहा है कि ये लागू नहीं होगा, बावजूद उसके ये प्रदर्शन और ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसका कारण क्या है? अगर सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कहा है कि इसको लागू नहीं करेंगे, तो संजीदगी के साथ उन्हें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए, जिस तरह से शाबानों केस में आया था उसी तरह से इनको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। और वो इसलिए लाना पड़ेगा, आपको मालूम है कि SC ST OBC एक बहुत बड़ी ताकत है, 80% से ज़्यादा ये आवाम है भारतवर्ष के अंदर, तो उनकी बात मानी जाएगी, हर कोई समझता है, सभी लोग समझते हैं। देखिए जजेस जो जजमेंट ये आई है, आप इस जजमेंट का उनमें आप देख लीजिए कि जजेस जो हैं वो या क्या उनमें कोई SC ST क्या कोई OBC जज था कुछ है? तो एक जहनीत बनी होती है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन उसका इलाज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है, लेजिस्लेशन के अंदर है, वो करेंगे और उनको करना भी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो काम संसद में होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने चाहिए वो संसद फैसले ले रही है? ये एक सोच बनी हुई है, क्योंकि ये जो OBC SC ST लोग अच्छी पोजीशनों पे नहीं है, और जो अच्छी पोजीशनों पे लोग हैं वो इस किस्म के डिसीज़न लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी कोई नुमाइंदगान ज़्यादा नहीं है, इस कम्युनिटी के नुमाइंदगान जाते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि अनपढ़ता भी है और फिर एक्सप्लाइटेशन है, मजहबी एक्सप्लाइटेशन है, मज़हब के लिहाज से एक अपीलें की जाती हैं कि वोट हमें दीजिए, तो जितनी अनपढ़ता होगी उतना ही आदमी मजहब में डूबेगा और मजहब में डूब करके वोट करेगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ अनासर। तो लेकिन आप जैसा कि आप देखते हैं, आज देख रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है, जैसे ये डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट का, लोगों ने उस बात को समझा, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको समझने की कोशिश करनी है। जो बाबा साहब ने कहा है, उठो, तालीम हासिल करो, मुनज्जम हो जाओ और संघर्ष करो, इस चीज़ पे चलना होगा। हमें पुराने रोने नहीं रोने होंगे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हो रहा है। अगर हम ऐसा कहते रहेंगे तो हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। आज बाबा साहब की तालीम को, बाबा अंबेडकर की तालीम को, तालीम हासिल करो, मुनज्जम हो जाओ और संघर्ष करो, वो सामने लिखा हुआ है, उस पर हमें अमल करना होगा। जी कटारिया साहब, क्रीमी लेयर होता क्या है? अभी तक ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि SC और ST में या OBC में क्रीमी लेयर की नाम की चीज़ है क्या? वो ये कन्फ्यूजन होता है कि क्रीमी लेयर है क्या चीज़। सर ये क्या है कि जब 1950 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रक्षण का प्रावधान किया गया, तो उसका बेस ये था कि वो जातियाँ जिनको समाज में नफरत की जाती है, उनके साथ उनको नीच कहा जाता है, उनको मंजी पर नहीं बैठने दिया जाता, अनटचेबल्स जो थे, उस आधार पे एक रिजर्वेशन बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में OBC का रक्षण आया, तो OBC का रक्षण जब आया, पहले मैं ये बता दूं 1950 में रक्षण का आधार सिर्फ ये था कि जिसके साथ समाज में भेदभाव हो, इनकम नहीं, वो अमीर गरीबी नहीं देखी जाएगी। तो क्या भेदभाव खत्म हो चुका है भारत से? नहीं, भेदभाव तो कहाँ खत्म हो गया,
वो तो करना था सरकार को, वो तो सरकारें करती नहीं है, करती इसलिए नहीं है कि अगर भेदभाव खत्म हो गया तो फिर इलेक्शन में मुद्दा क्या रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रीमी लेयर जो है 1990 में ओबीसी इलेक्शन में आई है। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि ओबीसी लोगों में जो लोग इकोनॉमिकली बेटर हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए। तो क्या उन लोगों के साथ कास्टिज्म नहीं हो रहा है जो क्रीमी लेयर? उन लोगों के साथ हो ही रहा है। तो लेकिन उस टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो इन लोगों में अमीर हैं उनको अलग रखा जाएगा, जो गरीब हैं मतलब एक इनकम से नीचे हैं तो उनको ये ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी तो है, उसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान था? नहीं, हाँ उसमें है 8 लाख का, उसमें भी एक क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं हम। एससी एसटी के आरक्षण में और उनके आरक्षण में क्या अंतर है फिर? यहाँ पर उनका 8 लाख है, इनका कितना रखा गया? किनका? एससी एसटी का। एससी एसटी का आज की डेट में कुछ नहीं है। आज की डेट में एससी एसटी के आरक्षण पे कोई वो लिमिट नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है, वो सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अभी जो अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट आई है ये वही है कि उसमें भी जो अमीर एससी है, अमीर कहने का मतलब जो थोड़ा बेटर है उसको काट दो, उसको वहाँ से हटा दो, मतलब क्रीमी लेयर में डाल के उसको साइड कर दो। तो उसी लिए तो आज प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई जो आरक्षण जो 1950 में मिला था वो अमीरी गरीबी के बेस पे नहीं मिला था, वो मिला था आपको नफरत जो जो झेलनी पड़ती है समाज में, आपको नीच कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं, इसलिए कहा बना था। अब आज ये जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे उसको ला रहे हैं, तो इसलिए संघर्ष हो रहा है, विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कास्टिज्म, जातिवाद सरकारी विभागों में या फिर मोहल्लों में, इलाकों में, शहरों में होना बंद हो चुका है? नहीं सर, अभी कोई बंद नहीं हुआ है। जाति भेदभाव अभी एग्जिस्ट कर रहा है और हर सोसाइटी में है, उनके कम हो गया थोड़ा, बेशक कम हुआ है, जो कम उनके साथ हुआ है जो थोड़े ऊपर उठे हैं, थोड़ा सा कम हुआ है मामूली सा। उनको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है? उनको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है कि इनकी इनकम ज्यादा हो गई है, 8 लाख रखी है इन्होंने लिमिट, 8 लाख से ऊपर हो गए क्रीमी लेयर, तो ये क्रीमी लेयर में आ गए, इसको बाहर निकालो रिजर्वेशन से। तो जो बेचारे डोन है हमारे भाई जो अभी मतलब के इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो वो तो बेचारे पढ़ ही नहीं सकते, गरीब लोग हैं पढ़ ही नहीं सकते, वो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ कम्पीट करेंगे। तो इसलिए इनका मेन मकसद है कि जो पोस्ट रिजर्वेशन में आती हैं उनको डिल्यूट कर लो, रिजर्वेशन डिल्यूट कर दो, मतलब डिल्यूट कर दो, वो लेने के काबिल ही नहीं होंगे वो नीचे वाले जो ना सरकार, तो आदमी तो ले ही नहीं सकेगा ना प्रमोशन। सर षड्यंत्र ये है, षड्यंत्र ये है कि जो बच्चे को पढ़ा सकता है उसको आरक्षण से बाहर कर दो क्रीमी लेयर में डाल के, जो नहीं पढ़ा सकता उसको आरक्षण दे दो ताकि बच्चा कम्पीट ना कर पाए। होगा क्या कि पोस्टें खाली रह जाएंगे और जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। बड़ी चीज़ है ये एक बड़ी चीज़ है। सतिया साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लोग इतनी धूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप लोग अब रिटायर हैं, अपने घर में बैठना चाहिए था, वहाँ बाहर आए हैं, क्यों बाहर निकलना पड़ा आज आपको? बाहर जे घर में बैठ सकते थे अगर ये जो सरकार है ईमानदार होती, अच्छी सरकार होती और गुड गवर्नेंस होती। जो क्रीमी लेयर हमें उससे पहले था, दूध पर क्रीम होती है जो मलाई, वो होती है क्रीमी लेयर, बेसिक तो ये है उसमें। लेकिन जो दुनिया में ढंका बज रहा है कि सबसे अच्छी सरकार और सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, जो अपने मुंह से जो मर्जी कहें, ये तो विश्व गुरु भी कहते हैं, इनकी क्या बात है, वो भी इंडिया के दूध में कहते हैं। अमेरिका में जाकर देखो कितना सेनेट इनके खिलाफ है, वो 75 सेनेट इनके खिलाफ उन्होंने रेजोल्यूशन डाला है। नीट तो संभाला नहीं जा रहा इनसे सर, नीट तो संभाला नहीं जा रहा है, ये विश्व गुरु बन रहे हैं। ये ऐसा ही जैसे मणिपुर को तो सामने सके, लेकिन अब बांग्लादेश में घुस गया, वहाँ हिंदुओं को खतरा हो गया। तो मणिपुर में जो कुछ हो रहा था उसका इनको कोई खतरा नहीं है, ये बेशर्म के बेशर्म है। एक बड़ी बात कही गई है कि ये बेशर्मी का सामना करना नहीं चाहते, लेकिन बेशर्मी जो है वाला कानून 2020 में ले आए उठा के। तो कांग्रेस की भी तो नीतियां ऐसी ही रही हैं, अगर कांग्रेस तो कांग्रेस की नीतियां ऐसी रही होंगी, हम उन्होंने किया तो नहीं बाहर जे, लेकिन आज कांग्रेस समर्थन भी तो नहीं कर रही है आप सबका। हाँ जी, कांग्रेस आप सबका समर्थन भी तो नहीं कर रही है। देखो ये जो लड़ाई है हमारी, ये वर्ण व्यवस्था की लड़ाई है, ये ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना CPI से, ये सब लोग ऐसे हैं। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है। अगर रिजर्वेशन थी तो वो भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी, तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमको वहाँ ही ले जाना चाहते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से पहले था। ये मनुस्मृति वाले लाज, विष्णु स्मृति वाले लाज को इम्प्लीमेंट करके इन लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम लिखा गया है, डिप्कॉम को क्या मेमोरेंडम देने जा रहे हैं?
देखिए सर, मेमोरेंडम जो हम आज बीप काम को देने जा रहे हैं, इसमें साफ शब्दों में, कड़ी शब्दों में ये लिखा गया है कि 21 अगस्त को जो आज भारत बंद की कॉल दी गई थी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भारत बंद का पूरा समर्थन करती है, और आने वाले टाइम में अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस नहीं लेती है तो ये फर्स्ट फेज का भारत बंद था, सेकंड फेज की कॉल हमने 11 सितंबर को दे दी है, जो जिसका घेराव दिल्ली में होगा, भाई चंद्रशेखर की आजाद जी जो हमारे एमपी हैं उनके देखरेख में होगा। और मैं अपने भाइयों को सभी को यही बताना चाहूंगा कि ये जो 11 सितंबर की कॉल है ये दिल्ली का घेराव होगा, अगर ये वापिस फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का तो दूसरा जो भारत बंद होगा वो इससे भी आपको टाइम दे दिया है मिलने के लिए, मिलने जा रहे हैं? हाँ जी, अभी बिल्कुल 5 बंदे हमारे अंदर जा रहे हैं, भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के 5 आदमी जो हमारे डिपकॉम से मिलेंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आजाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आजाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।